कमेंटेटर, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं सरिता राव, आप सभी का स्वागत है एसपी नाइन न्यूज में। 4 साल मोदी सरकार और लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इन 4 सालों में मोदी सरकार ने तमाम तरीके की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और तमाम तरीके की उम्मीदें उन लोगों में जगा दी कि हर एक योजना जमीनी स्तर पर काम कर रही है, हर एक योजना से लोगों को लाभ पहुंच रहा है और हर एक योजना से लोगों में बहुत बहुत बदलाव आए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका हम लगातार पता कर रहे हैं और इसकी लगातार पड़ताल कर रहे हैं। और आज हमारा जो फोकस है वो है स्वच्छ भारत अभियान। क्या वाकई इस योजना से भारत स्वच्छ हुआ है या नहीं हुआ है, इसी की हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और सवाल ये है कि मेक इन इंडिया से इंडिया कितना मेक हुआ, डिजिटल इंडिया से इंडिया कितना डिजिटल हुआ, क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आया है, क्या वाकई जो योजनाएं जिन योजनाओं को लेकर के मोदी सरकार इतने विज्ञापन बनवा रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है और जगह जगह उनको लेकर के शिलान्यास कर रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, यहां तक कि उन चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, इसको लेकर के जो सेस बटोर रही है सरकार, क्या जमीनी स्तर पर इस सेस को बटोरने के बाद, इस कर को लेने के बाद, क्या वो वाकई कुछ करके दिखा रही है या नहीं है, इसी की रिपोर्ट हमारे सामने हम पेश करते हैं आपके सामने। स्वच्छ भारत अभियान के 4 साल पूरे होने को है लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत दिखाई नहीं दे रही। अभियान के तहत हर आम से खास लोगों ने झाड़ू थाम कर अभियान में भागीदारी निभाई लेकिन किसी भी सामाजिक व गैर सरकारी संस्था का अभियान बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। हाँ, इस कार्य से जुड़ी सरकारी संस्थाएं इस दिशा में निरंतर प्रयास करती रही लेकिन जन जागरूकता की कमी के कारण आज भी स्थिति संतोषप्रद नहीं है। शहर से लेकर गाँव तक जहाँ जहाँ फैली गंदगी, कचरे का जमाव, कचरा निस्तारण, कोई व्यवस्था नहीं होना अभियान की हकीकत को बयान करता है। स्वच्छता के मामले में कडोरमा स्टेशन को धनबाद रेल मंडल में दूसरा स्थान जरूर मिला लेकिन आज भी स्टेशन परिसर खुले में शौच से मुक्त नहीं है। स्टेशन के दक्षिणी छोर में फुट ओवर ब्रिज के नीचे लोगों ने खुले आम मूत्रालय बना दिया है। पेश है कुछ आंकड़े स्वच्छ भारत अभियान के। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी थी जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है। दूसरा आंकड़ा यह है कि स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तीसरा आंकड़ा यह है कि इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। चौथा, इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम करती रही है। आपको बता दें, सफाई अभियान के तहत शहर में सैकड़ों डस्टबिन लगाए गए हैं, बावजूद इसके जहां जहां गंदगी और कचरे का आलम उतना ही है। यहां साफ सफाई कार्य के लिए दर्जनों अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं। एक तरफ गंदगी का उठाव किया जाता है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या गैर जिम्मेदार लोग अपना हक समझकर तुरंत गंदगी फैला देते हैं। परिणाम ये है कि स्वच्छता की दिशा में सरकारी प्रयास तो दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर उसका अनुपात नहीं दिख रहा है। अगर आलम यही रहा तो शायद अगले यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव मोदी को इन सब के चलते हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने अपनी तरफ से योजना बना दी है, सरकार अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रही तो इसमें जन जन लोगों को भी यानी कि आम लोगों को भी पूरा सहयोग यानी कि पूरा सहयोग देना पड़ेगा। सिर्फ सरकार ही सफाई नहीं करेगी, हमको हर एक इंसान को मिलकर साफ सफाई करनी पड़ेगी, हर एक को कचरा उठाना पड़ेगा, हर एक को अपने आस पास सफाई रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को स्वच्छ अभियान के तहत स्वच्छ बना सकेंगे। आंकड़ों की हकीकत आपने देख ली कि सिर्फ सरकारी कागजों पर ही ये जो आंकड़े हैं वो सिमट कर रह गए लेकिन जमीनी हकीकत एकदम से परे है। मोदी सरकार ने 76 लाख शौचालय बनाने का वादा किया था लेकिन अभी तक 76% सरकार पीछे चल रही है। यानी कि 76 लाख एक तरफ जहां शौचालय बनाने का वादा किया था वहां पे 76% सरकार पीछे चल रही, यानी कि अभी तक महज 6 लाख शौचालय ही बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शौचालय बनाए गए क्या वाकई उस पर उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उनके अंदर दरवाजे, खिड़की, जो सीटें होती हैं बैठाई गई हैं या नहीं बैठा गई, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। यानी कि
सरकार अपनी तरफ से तो योजनाएं सारी बना देती है कि हाँ ये योजना है, वो योजना है, इन सभी योजनाओं से आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन हकीकत एकदम परे होती है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाती हैं। इसलिए सवाल यही है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उस पर हकीकत से, दिल से काम किया जाए, जमीनी स्तर से काम किया जाए, उसे सिर्फ कागजों तक सिमट तक ना रखें। इसलिए साल 2019 आ चुका है, चाहे मोदी सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, उन सभी ने अपनी कमरें कस ली हैं अपने काम को गिनाने में, लेकिन हकीकत एकदम परे है। तो सवाल यही है कि जो हकीकत बड़े बड़े विज्ञापनों पर सरकार दिखाती है, अगर उसे जमीन पर दिखाएं तो सरकार अपने आप बन जाएगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Start your career with us.